दोस्तों हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समोसा सलवार कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और फिर समोसा टाइप में चार फुर्त में फोल्ड कर लेना है अच्छे से। और जो इसका लुक है फाइनल, वो साइड में वीडियो चल रही है उसमें दिखाई दे रहा है कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें कुर्ती का भी डिज़ाइन है, कुर्ती के डिज़ाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हमें लंबाई का नाप लेना है, जो हमारे पास लंबाई है उसका 5 इंच ऊपर की साइड बेल्ट का निकाल देंगे। ये मैंने 5 इंच ऊपर रखा है और नीचे की साइड जो लंबाई है उसका टोटल नाप लेंगे। और यहाँ से हमें मोहरी का नाप लेना है, मोहरी का नाप मैंने 5 इंच रखा है क्योंकि ये 12 साल की बच्ची की सिलवार है। और जो नीचे की साइड ये तिकोना कपड़ा है, इसी को हमने इसी प्रकार से रखना है। ऊपर से हमें 8 इंच पे निशान लगाना होगा जो हमारी आसन है उसके लिए। और इस प्रकार से गोलाई में सेप कर देते हुए मिला देंगे। और जो दूसरा कोना है उस पर हमें 1.5 इंच का निशान लगाते हुए कटिंग कर लेनी है। अब जो नीचे की साइड ये तिरछा कपड़ा है, हम इसको कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लंबाई से एक्स्ट्रा है ये कपड़ा। इसमें इसी प्रकार की गोलाई आएगी जो ये समोसा सलवार होती है। इसमें आप अगर पोचा बनाओ तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पोचा नहीं बनाऊँगी इसलिए यहाँ पे छोटा सा कट लगा दूँगी, बाद में सिलाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हमें दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेना है। अलग करने के बाद अब हमें बेल्ट कटिंग करना है। बेल्ट की जो लंबाई है 5 इंच की जगह हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे क्योंकि जो हमने 5 इंच तैयारी रखना है इसमें, तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ बच्ची का है तो यहाँ पे हमें जितनी हिप होगी उसी के हिसाब से बेल्ट ले लेना है। और नाप लेते हुए हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है और 5 इंच हमारा बेल्ट तैयारी रहेगा, बच्चे की है इसलिए हमें इतना ही चाहिए। ये बेल्ट हमने कटिंग कर ली। अब हमें सिलाई करनी है। सिलाई के लिए पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। पहले दोनों हिस्सों को मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे और बाद में हमें ये जो है बेल्ट के लिए जो नाड़ा डालने के लिए होती है वो जगह बनानी है। यहाँ इस प्रकार से दोनों हिस्सों को अलग अलग सिलाई करेंगे। ये लगभग 1.5 या 2 इंच तक सिलाई होती है सीधी। सीधी सिलाई करने के बाद हमें बेल्ट को ऊपर से फोल्ड कर लेना है। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच ऊपर की साइड से फोल्ड कर लेंगे, 1/2 इंच नीचे की साइड मार्जिन में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। बेल्ट तैयार करने के बाद ऊपर की साइड से जो हमारी नाड़े की जगह है वो कट कर ली है और अब हम इसको सीधा करेंगे। और जो हमने वो तिकोना हिस्सा था जहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमें लेना है। वहाँ से हमें दोनों साइड प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हमें जो ये समोसा सलवार होती है इसमें आमने सामने डालनी होती हैं। पहले हम एक साइड से जो कटिंग किया हुआ है वहाँ से पकड़ेंगे और प्लेट्स को जो कटिंग है उसके सामने डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। एक साइड सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी दूसरी साइड है जो ये हमने कटिंग कर रखी है इसके सामने वाला हिस्सा है उस साइड हमें इसके सामने प्लेट्स डालनी होंगी। बिल्कुल जस्ट सामने, आमने सामने होंगी तभी हमारी ये समोसा सलवार बन पाएगी। इसे हम धोती सलवार भी कहते हैं। और यहाँ पे भी हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमें तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से हमें एक एक प्लेट्स को उठाते हुए दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल लेनी है। ये आमने सामने प्लेट्स होंगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सलवार लगेगी। और प्लेट्स में इनमें हमें लगभग 2-2 इंच कपड़ा एक एक प्लेट्स में लेना है। जितना कपड़ा ज़्यादा होगा उतनी प्लेट सुंदर लगेंगी। और हमें सिलाई लगा लेनी है।
दोनों हिस्सों में हमने प्लेट्स डाल ली हैं बिल्कुल बराबर बराबर। अब दोनों हिस्सों को बिल्कुल बराबर बनाना मिलाना है और जो हमारा आसन है उसकी सिलाई लगाएंगे, जो हमारी बैठक होती है इसको सीट भी बोलते हैं, तो इसकी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है बराबर करते हुए। दोनों हिस्सों में ही हमने आमने सामने प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स मैं बलट के बिना ही डालती हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान होती हैं, कपड़ा इधर उधर खिसकने का डर नहीं होता। बाद में बेल्ट लगाऊंगी जो कि सफाई से आएगा। इस प्रकार से हमें बैठक वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब हमें बेल्ट लेना है और सलवार को सीधी साइड से रखेंगे और बेल्ट को उल्टी साइड से, और जो हमारा बीच वाला जॉइंट है आसन का हिस्सा उसको जो हमारा नेफा है उस वाले हिस्से के बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब बेल्ट लगाना बहुत ही आसान होगा क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट्स पहले से ही तैयार कर रखी हैं और बिल्कुल बराबर बराबर मिलाते हुए पहले हमें चेक कर लेना है बेल्ट हमारा जो ये प्लेट्स डली हुई हैं इनके बराबर है या नहीं। ना हो तो हम एक दो प्लेट्स निकाल सकते हैं। अब हमें फिनिशिंग के लिए जो है हमारी बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल किनारे की लगेगी और ये जो हमारी सिंपल सलवार होती है उसमें भी हम लगाते हैं, और जो ये हमारी समोसा सलवार यानी धोती सलवार है इसमें भी लगाएंगे। इसे अलग ही लुक आएगा इसका, और हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये बेल्ट वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारी फाइनल सिलाई है जो नीचे की, उसके लिए हमें सलवार को उल्टा कर लेना है और जो हमने वो कट लगाए थे उनको बराबर करना है जो कट लगाए थे, और वहाँ से ही हमें सिलाई शुरू करनी है। नीचे का हिस्सा है वो खुला रखना है और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसी प्रकार से जो दूसरी साइड का हमारा हिस्सा है उस हिस्से को भी हम कट लगा रखा है वहीं तक ही सिल लेंगे, नीचे के हिस्से को हमें खुला रखना है। ये सलवार तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आती है या फिर हमारी वीडियो में कोई भी कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, और इसके बाद जो हमारा नीचे का हिस्सा है जो ये तिकोना हिस्सा बचा हुआ है इसको हम खोल लेंगे। दोनों हिस्सों को अलग अलग खोल लेंगे और एक हिस्से को पकड़ते हुए डबल फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जिस प्रकार से हमारी कटिंग है उसी प्रकार से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। सिलाई हम किनारे की लगाएंगे इसमें, और जो ये नीचे की साइड कोना बना हुआ है इसको इसी तरीके से सिलाई के अंदर हमें बना लेना है। कॉर्नर पर हमें इसी प्रकार से कोने को पकड़ते हुए बना लेना है और इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे। जो ये नीचे की कटिंग होती है इसे इस समोसा सलवार का अलग ही लुक आएगा। तैयारी होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। दोनों कोनों की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमारी ये सलवार रेडी हो चुकी है और ये हमारा फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।